हेलो गाइस, दिस इज बलराम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और गाइस, आज हम आए चंद्रशेखर फार्म में और यहाँ पे है गौशाला। तो मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले ये देखें श्री रामचंद्र जी की कितनी अच्छी प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है। और इस साइड में है गौशाला, बहुत ही बड़ी गौशाला है यहाँ पे। और साथ में हमारे हैं सागर भाई। कैसे सागर भाई? बहुत बढ़िया भाई, ये मजे आ रहे हैं ना? मजा आ रहा है, अभी मजा और आ जाएगा अगर ना, तब लस्सी मिलेगी बहुत ही ठंडी ठंडी। ये गाय है ना, जो गाय के दूध की लस्सी मिलेगी, एक नंबर की, मजा आ जाएगा फ्री में पिएंगे। और ये हैं भगवान विष्णु कश्यप अवतार। भाई साहब कितने मस्त लग रहे हैं सारी चीज, ठीक है। और आगे मैं ना आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाने वाला हूँ, मतलब बहुत शांति प्रिय जगह है। कहाँ तक? अच्छा। और गाइस, जैसा कि भाई सागर ने बताया, ये है नरसिंह अवतार। भाई साहब बहुत अच्छी मूर्ति है सही में। और ये पूरी गौशाला है, गाय का स्विमिंग पूल। वाह सही है। ये देखो गाय, बहुत ज़्यादा बड़ी क्या बोलते हैं गौशाला है यहाँ पे। और ऊपर ले चलता हूँ मैं आपको। भाई मज़ा आ गया मेरे को तो सही में। मंदिर का नाम है भुवनेश्वरी माता का मंदिर। अच्छा हाँ, वो लिखा हुआ भुवनेश्वरी माता का मंदिर है ये। और ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छी लोकेशन है भाई, मजा आ रहा है सागर भाई सही में। अरे भाई, एक नंबर की लोकेशन है, तो करते हैं। और ये देखिए, ये पता नहीं किसका स्टैचू है पर अच्छा लग रहा है जैसा भी है। मम्मी अपने बेटे को, मतलब एक माँ है और एक बेटा है उसका। और ये बंदर है यहाँ पे, बंदर है यहाँ पे। और अब हम थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ भगवान कौन से थे। वामन अवतार जब लिया था भगवान जी ने, तो ये वो प्रतिमा है यहाँ पे। ये देखिए, और यहाँ पे लकड़ी उतारी जा रही है, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे लस्सी का आनंद ले रहे हैं, हम भी पियेंगे अभी लस्सी। लस्सी पीना है ना तू? यस भाई, मैं तो लस्सी पीने आया हूं यहां पे। गाइस, इस मंदिर में ना लस्सी मिलती है, इन्हीं गायों के दूध से बनी हुई लस्सी, बड़ी टेस्टी होती है। तो अब हम भी पियेंगे। कुछ ही नोटिस कर रहा है अब, जैसे मैं ब्लॉग शुरू कर रहा था बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही, थोड़े ऊपर जाते जाते बहुत अच्छी लस्सी है। भाई इतना ऊपर है यार, देखना बिल्कुल नीचे भाई, ठीक है। और यहाँ पे संत निवास है, परली साइड में भी मंदिर बने हुए हैं। और ये है मत्स्य अवतार, ये देखो भाई साहब, एक नंबर चीज़ है, एक नंबर चीज़ जिसे बोलते हैं। और वहाँ पे माता जी का एक मंदिर है जहाँ पे हवन वगैरह हो रहा है और बाबा जी बैठे हैं वहाँ पे। तो सागर भाई अभी है ना लस्सी बनाने के मूड में है, तो अभी गिलास धोए जा रहे हैं सागर भाई। मेरे लिए भी धोना भाई, दोनों के लिए धोनी है, मैंने टेंशन ना लो। अभी देखते हैं यहाँ पर रेसिपी दिखाते हैं, लस्सी कैसे बनती है। बहुत अच्छी वाली है, ठीक है। काला नमक, अच्छा लो, उसमें ऐसे डाल दिया घना सारा, घना सारा। थोड़े से बाद ना बनती भाई, थोड़े से बाद नहीं बनती, हो गया काम। अब आते हैं इधर। अच्छा, यहाँ पर शायद पानी में कहाँ गई लस्सी है, पता ना, चेक कर ले, चेक कर ले, एक बार चेक कर ले ऊपर से। देख ले है उसमें है? तो गाइस हमें लस्सी मिल चुकी है और अब हम लस्सी पियेंगे। मजा आ जाएंगे बिल्कुल सही में, गाय के दूध की लस्सी मजा आ जाएगा बिल्कुल। पर गाइस एक चीज और दिखाऊं मैं आपको, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है, आप सभी से निवेदन है लस्सी को बोतल व अन्य बर्तन में ना डालें, लस्सी पीने के बाद गिलास धोकर निश्चित स्थान पर रख दें, आपकी अति कृपया होगी। भाई साहब ये चीज़ तो करनी चाहिए, देखो ठीक है ना, कुछ काम हमें खुद भी कर लेने चाहिए। उसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृपया शांति बनाए रखें, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। भाई क्या करें, हमारा काम ही ब्लॉगिंग का है तो बोलना पड़ता है। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं। और गाइस हमारी लस्सी तैयार है, क्या बात है,
सागर भाई एक काम क्यों नहीं करते तुम, लस्सी की दुकान खोल लो ना यार। मैंने कई बार सोची है पर पता क्या, पैसे ना दियो घर वाले रेडी के रेडी के पैसे दे दो ना तो मैं खोल लूं भाई। तुम दे दो यार कोई हो तो, मतलब कोई हो मेरा नंबर बता दे पेटीएम वाले। हम खुद गरीब इंसान है, बताओ इनकी लस्सी की रेडी हम कहाँ से लगवाएं। ऑडियंस अब नहीं ये देगी भाई, पेटीएम नंबर बता रहा हूँ मैं भाई। अच्छा भाई पेटीएम नंबर बता दे। हाँ भाई पेटीएम नंबर बायो में दिया होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना। चुपचाप कर देना भाई, जिसको करनी है एक रेडी गाइस। मैं आपको ना और भी लोकेशन दिखाऊंगा, पर उससे पहले ना हम थोड़ी सी लस्सी पी लेते हैं। तो गाइस हमने लस्सी पी ली है, अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। ये लोकेशन देखिए यहाँ पे, और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लोकेशन यहाँ पे है, और वहाँ पे बाबा जी। ये देखो पहले क्यों नहीं दिखाई आपने को, ये देखो ये पता नहीं कौन सी माता का, अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। बाकी भाई साहब मतलब इतनी अच्छी लोकेशन है ना, दिल खुश हो गया। सागर गंदी गंदी बातें नहीं करते लोग। और गाइस ये देखो, वाह भाई साहब आनंद आ गया देखने के बाद में ना। ये देखो यहाँ पे ये यहाँ पे बाबा सफाई कर रहे हैं, और अब हम जाएंगे उस साइड में। सागर पीछे तो पहाड़ी है शायद। शिव जी की मूर्ति है गाइस, ये देखो लोकेशन दोनों साइड ही मज़ेदार है भाई, मज़ा आ गया बिल्कुल यहाँ आके ना। मतलब एक अलग ही शांति है यार, है ना, पॉजिटिविटी कितनी है। और वो देखो वो एक मंदिर नीचे भी है भाई, भाई क्या लोकेशन है, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया सही में। अब थोड़ा और ऊपर चलें। अच्छा ये रास्ता मेरे हिसाब से परली साइड में चला जाता शायद, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें भाई। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हम पहाड़ों से नीचे उतर के जाएंगे, मतलब गिरते पड़ते मतलब एक नंबर मजा आएगा, देख लुढ़कते हुए जाएंगे। जो लोकेशन है ना मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने सच्ची में जैन वाली देख। एक बार जूम मार के दिखा सकता है, दिखा दे नहीं भाई मैंने देखी था, मुझे बहुत अच्छी लगी। गाइस ये देखो नीचे भी मंदिर है, एक बार चलेंगे नीचे सागर। हाँ कहाँ शिव जी की मूर्ति है क्या ऊपर? चलो भाई अब हम जा रहे हैं शिव जी की मूर्ति के पास, और हम आपको शिव जी की मूर्ति के दर्शन करवा देंगे। अच्छा वहाँ पे ऐसे जैसे बहती है ना नदी, ऐसे बहती हुई जा रही थी। अच्छा जी, और बाढ़ जब बैठ बैठ कर नहा रहे थे, मतलब मसूरी कैंपिंग बोल का पूरा मजा यहीं पे ले लिया उन्होंने। तो गाइस मजा आ गया भाई बिल्कुल सही में, और ये लोकेशन आहा हा हा कितनी तगड़ी लोकेशन है। सागर भाई ऊपर चल रहे हैं, धूप में दिखाई नहीं दे रहे बेचारे, ठीक है भाई साहब। आप भी आओ भाई कभी चंद्रशेखर फार्म में, माता भुवनेश्वरी का मंदिर है ना, माता भुवनेश्वरी का मंदिर है, आओ मजा आ जाएगा। और भाई अब हमें ना एक बहुत ज़्यादा भव्य, तो गाइस हम आ गए हैं भोले बाबा के चरणों में, और इतनी विशाल का ये मूर्ति है मैंने सोहना में तो नहीं देखी भाई, और ये सोहना के अंदर ही आता है। तो ये देखिए भोले बाबा की कितनी विशाल का ये मूर्ति है, और यहाँ पे एक ऋषि भी हैं, उनको भी मैं दर्शन करवा देता हूँ उनके भी। ये मुझे पता नहीं है कौन से ऋषि हैं, बाकी ये देखिए। और भोले बाबा की देखो कितनी बढ़िया मूर्ति है, सही में मज़ा आ गया भाई। भाई साहब ऐसे दर्शन तो हरिद्वार में ही हो सकते हैं ना, वहीं हो सकते हैं ना। तो गाइस अगर ऐसे दर्शन करने और हरिद्वार भी नहीं जाना तो भैया यहाँ पे आ जाना, माता भुवनेश्वरी का मंदिर है चंद्रशेखर फार्म में। तो गाइस जल्दी आ जाना, अब मैं एक दो रील बना लेता हूँ यहाँ पे। मज़ा आ जाएंगे, ठीक है।
तो गाइज इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रख। Yeah.